ये नोट कैसा है, या ये नोट या फिर ये, पर रियलिटी तो ये है। पर एक ही इंसान क्यों और कोई क्यों नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एपिक गिरधर और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो छोटी रखेंगे और आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे कि इंडियन करेंसी में गांधी ही क्यों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दीजिएगा। और अंत में आपको RBI का वो स्टेटमेंट भी पढ़ाएंगे जिसमें एक ही लाइन में RBI ने ये कह दिया कि ओनली गांधी और कोई नहीं। और हो सकता है कि इसमें मेरी कुछ बातें आपको लग जाए या फिर आपने जैसा सुना है वैसा ना हो, पर रियलिटी तो रियलिटी होती है। तो सीधा पॉइंट की बात में आते हैं। साल था 1969 जब महात्मा गांधी की 100वीं जयंती पर RBI ने उनके सम्मान में एक स्मारक नोट जारी किया। आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये नोट मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ था। टेप टाइम भारत सरकार सिर्फ 1 रुपए का नोट जारी करती है। 1 रुपए के नोट के अलावा बाकी करेंसी RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। तो भैया, अगर ये सोच रहे हो कि ये नोट अगर सरकार जारी करती होगी तो थोड़ा सब्र करो, सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो को पूरा देखो और वीडियो को लाइक करो। पर 1969 तो बस एक झलक थी। अब आया 1987 का दौर, जब एक के बाद एक RBI ने सभी नोट में गांधी की स्माइलिंग पोर्ट्रेट वाटरमार्क के रूप में छापने लगी। पर 1987 भी एक टीजर ही था। इसमें चार चांद तो 1996 में लगा, जब RBI ने इन सभी नोटों में महात्मा गांधी वाली स्माइल पोर्ट्रेट कंपलसरी कर दी। अब आपको थोड़ी मजेदार बात बताते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2015 में 1 रुपए का एक नोट जारी किया जिसमें पोर्ट्रेट की जगह अशोक स्तंभ और वाटरमार्क का इस्तेमाल किया गया था। अब 1 रुपए का नोट ही हमारी करेंसी नोट है, पर उसमें मिस्टर गांधी तो कहीं नजर भी नहीं आ रहे। तो क्या नोट पर फोटो के मामले में RBI और गवर्नमेंट के बीच आखिर मामला क्या है, और ये तनातनी है या दिखावा या कुछ और? वीडियो के अंत तक सब मामला सेट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब ये तो था इंडियन करेंसी का इतिहास, पर आपका क्वेश्चन तो अब भी यही है कि भाई ये सब छोड़, पहले ये बता गांधी क्यों और कोई क्यों नहीं। अब आपने पूछा तो बता नहीं पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ नोट के फोटो दिखाए थे जो शायद आपको पसंद भी आया हो, पर अगर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर अगर नोट होंगे तो इसमें माहौल काफी बिगड़ जाएगा। आखिर ये कैसे होगा ये सब आगे बताऊंगा, पर गांधी क्यों ये पहले जान लो। जैसे कि हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है, और अगर आप मानो या ना मानो पर महात्मा गांधी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है। और जब बात की जाए ओल्ड एरा की तो राष्ट्रपति की उपाधि हासिल कर चुके गांधी उस वक्त राष्ट्र का चेहरा थे। पर ये भी छोड़ो, गलती आखिर हो कहाँ रही है मैं बताता हूँ। मैंने ये सब पिछले वीडियो में भी कहा था। आपको अभी जो ज्ञान मिलता है वो है सोशल मीडिया, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, या फिर कोई ज्ञानी इंसान आपके दिमाग में भूसा भर कर चला जाता है और आप उसे ही सच मान लेते हो। मेरा कहना सिर्फ यही है कि किसी के बारे में भी कुछ भी देखो या सुनो उस पर रिसर्च जरूर करो, यूं ही आंख मूंद कर भरोसा ना कर लिया करो। सभी आपको बेवकूफ बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज छापने के लिए। जैसे कि अभी हाल ही में अभी बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती, अब उनके चाहने वाले इतने भोले हैं कि वो लोग गांधी जी को गाली देते। तो ये भी सुन लो कि गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो उन्हें देखने सबसे पहले बाबा साहब और सबसे आखिरी में भी वही वापस आए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अंबेडकर ने अपने किताब में खुद ही लिखा है कि सबसे ज्यादा गांधी जी की मृत्यु से मैं हताहत हुआ। भले ही हमारे विचारधारा अलग थे, पर बापू जैसा मेरे लिए सम्मान्य व्यक्ति और कोई नहीं है। बात सिंपल है, दिमाग सभी के पास है, कुछ नहीं तो विकिपीडिया खोल कर ही पढ़ लिया करो। गलती हम ये करते हैं कि ये सही था और ये गलत, इसी में अपना समय निकाल दे। अगर आज के युद्ध को शायद भगत सिंह देखते तो शायद वो कभी बलिदान ही न देते। पर छोड़ो, वीडियो में वापस लौटते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी और व्यक्ति के नोट में रहने से क्षेत्रीय विवाद हो सकता था, इसलिए बहुत सारा रिसर्च करने के बाद गांधी जी का पोर्ट्रेट यूज किया गया। उससे पहले मंदिरों स्मारकों का यूज भी किया जाता था, पर उनको कॉपी करना बहुत आसान था। यह भी एक कारण था महात्मा गांधी के फोटो रखने का। लास्ट टाइम इंडियन के फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली ने भी कहा था कि महात्मा गांधी से ज्यादा कोई भी व्यक्ति देश के स्वभाव का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। आखिर कहाँ की है ये फोटो? आप नोट में जो फोटो देखते हो वो तस्वीर 1946 में राजभवन में खींची गई थी, जो आज पोर्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल होती है। अंत में यही कहना चाहूंगा, फैसला आपका है, आप जो भी सोचे, पर रियलिटी तो रियलिटी है। तय आपको करना है कि लोगों के बहकावे में आए या फिर खुद के दिमाग का सही इस्तेमाल करे। वीडियो के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा मजा आया कमेंट करके बताइए। बाकी हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।